भाव के साथ बहने लगते हैं। फिर रास्ते में कठिनाइयां होने के बाद भी लाल चींटियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी एक जोर के झटके की वजह से लेडीबग डब्बे से निकलकर पानी में गिर जाती है और तो पानी में एक मछली उसका पीछा करने लगती है। लेडीबग तेजी से नीचे की ओर जाती है लेकिन मछली उसका पीछा करते करते पत्थरों से टकरा जाती है, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब काली चींटियां अपनी नई दोस्त को बचाने का फैसला करती है, इसीलिए वो एक दूसरे को पकड़कर एक जंजीर बनाती है और इस तरह वो लेडीबग को बचा लेते हैं। अब इसके बाद उनके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा झरना पड़ता है, इसीलिए वो जल्दी से डब्बे के अंदर घुस जाती है और फिर झरने से नीचे गिर जाते हैं। मछली और लाल चींटियां भी उनके पीछे पीछे उस झरने से गिर जाती है। अब मछली और लाल चींटियों का कैन नीचे अटक जाता है, लेकिन लाल चींटियां पानी में तैरकर वहां से बच निकलती हैं। अब काली चींटियां और लेडीबग बचते हुए चीनी के क्यूब्स को लेते हैं और वापस अपने घर के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो लेडीबग को कुछ जानी पहचानी भिनभिनाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो पास में ही एक लेडीबग के झुंड को देखती है और उनको देखकर ऊपर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक पंख होने के कारण वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती और फिर दुखी होकर वो वापस से चींटियों के पीछे जाने लगती है। अब अगले दिन सड़क पार करते हुए लाल चींटियां काली चींटियों को देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। काली चींटियां मौके का फायदा